नमस्कार, मैं विकास बंसल अपनी कंप्यूटर एजुकेशन की क्लास में आज आपसे बात करूंगा टेबल के बारे में कि एमएस वर्ड के अंदर हम टेबल को कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे होंगे, मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल तैयार की हुई है जिसके अंदर मैंने अपने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड को दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो उसके लिए ये मैं आपको एमएस वर्ड में कैसे तैयार की जाती है वो सारा मैं आपको इस अपनी वीडियो में बताऊंगा। साथ के साथ मैं आपको कुछ टेबल के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप उनका यूज करते हो तो आप अपने काम को बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल और एन बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। तो टेबल को तैयार करने का सबसे पहला जो मेरी ट्रिक रहेगी बहुत ईजी है। मैंने इसके लिए कीबोर्ड से प्लस एंड माइनस के बटन का यूज करना है। मैंने कीबोर्ड से प्लस का निशान जो है वो प्रेस किया और साथ में मैंने कीबोर्ड से माइनस के बटन को भी प्रेस किया। तो ये दोबारा से फिर मैंने कीबोर्ड से प्लस का निशान प्रेस किया और साथ में मैंने फिर माइनस का, जो बीच में गैप दिख रहा है आपको प्लस के बाद, ये मेरे कॉलम की चौड़ाई को दिखा रहा है। जो मेरी टेबल होगी उसके अंदर जो कॉलम मैं बना रहा हूँ वो कितने चौड़े हो गए, तो उसके लिए मैंने माइनस के निशान का यूज किया। दोबारा से मैंने अभी ब्रेक देना है अपने कॉलम को, सेकंड कॉलम को, तो वही सेम आपने प्लस का निशान प्रेस करना है और दोबारा से फिर आपने थर्ड कॉलम लेना चाहते हो तो फिर दोबारा से आपने माइनस के निशान को प्रेस करना है। अब दोबारा से फिर मैंने प्लस और अब उसके बाद आपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे मेरी एक तीन कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने टेबल का फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब मैंने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। आप देखो जैसे मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूं मेरा जो कर्सर है वो एक सेल से जो है वो सेकंड सेल के अंदर चला गया। दोबारा से फिर मैंने टैब बटन यूज किया वो थर्ड में गया। दोबारा से फिर आपने टैब बटन यूज करना है तो इस तरीके से मेरी एक नई रो भी इंसर्ट हो गई है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप एक टैब बटन प्रेस करते जाओगे तो उस तरीके से आपके पास नई रो इंसर्ट होती जाएगी। ये तो मेरा एक बहुत ही सिंपल मेथड मैंने आपको बताया टेबल को तैयार करने का। इसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं। इसके लिए मैंने दोबारा से फिर एक नया डॉक्यूमेंट लिया कंट्रोल एन बटन प्रेस करके कीबोर्ड से। इसके लिए मैं यूज करूंगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाओ आप, जो इंसर्ट टैब बटन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे आपको दिखा रहा है टेबल ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर मैं सेकंड जो मेरा मेथड रहेगा वो ड्रा टेबल, ये भी बहुत इजी है। आपने इस ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एक पेंसिल का जो निशान है वो आया हुआ है। आपने ड्रैग करना है, देखो जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूं एक बॉक्स बन रहा है, ये मेरी एक तरह से टेबल का एक फॉर्मेट बन गया। मैं अपनी मर्जी से अपनी टेबल को यहाँ पे सेट कर सकता हूं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे डिजाइन और ऊपर की तरफ एक ऑप्शन भी ओपन हो गया। यहाँ से अगर आप पेंसिल का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे रेड लेना है तो आप रेड ले सकते हो। साथ के साथ आपने इसकी जो बाउंड्री है वो भी आप इसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी चाहो वो सेट कर सकते हो। अब दोबारा से मैंने कॉलम क्रिएट करना है तो आप देखोगे मैंने ड्रैग किया, कलर दोबारा से मैं इसे सेट कर लेता हूं तो आप देखो। तो आप इस तरीके से जैसे भी आपको, ये तो मैंने कॉलम बना दिया अपनी इस टेबल के अंदर पेंसिल की हेल्प से। दोबारा से मैंने एक रो भी बनाना चाहता हूं तो आप इस तरीके से रो को भी बना सकते हो। ये मेरा सेकंड मेथड था टेबल को तैयार करने का। अब मेरा जो थर्ड मेथड होगा कंट्रोल एन, उसके लिए मेरे को दोबारा से इंसर्ट टैब बटन का यूज करना है और यहां पे हमें जो टेबल ऑप्शन दिया हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पे देखो हमें बॉक्सेज दिए हुए हैं। जैसे मैं ऊपर से जितने भी बॉक्सेज को सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, उतने ही कॉलम तैयार हो रहे हैं। अब नीचे की तरफ मैं लेके जाऊंगा तो नीचे की तरफ मेरी क्या शो कर रहा है, वो रो को शो कर रहा है। मैंने इस टेबल के लिए तीन कॉलम को सिलेक्ट किया और चार रो। अब आपने यहां पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास देखो एक टेबल यहां पे तैयार हो गया। साथ के साथ ये तो मैंने आपको तीन मेथड बताए कि किस तरीके से हम अपने एमएस वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं,
टेबल को तैयार कर सकते हैं। जो सा भी मेथड आपको इजी लगता है आप उनका यूज कर सकते हो। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा, अब इस टेबल के अंदर हमें काम कैसे करना है। यहां पे देखो हमारे पास जो सेल है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम या तो टैब बटन का यूज करेंगे या फिर हम एरो बटन का भी यूज कर सकते हैं। अप डाउन कीबोर्ड में जो हमें चार एरो बटन दिए होते हैं उसका भी यूज करके हम अपने कर्सर की पोजीशन को कहीं भी मूवमेंट करवा सकते हैं। अभी मैं काम करने के लिए कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता हूं। सीरियल नंबर, यहां पे नेम और क्लास। अभी मैं एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा हूं तो मैं किसका यूज कर रहा हूं, कीबोर्ड से टैब बटन का यूज कर रहा हूं। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा यूज होता है टेबल मेन्यू का, क्योंकि हमें एमएस वर्ड के अंदर कई बार लेटर के लिए तो हम जनरली यूज करते हैं, हमें ऑफिस लेटर तैयार करना पड़ता है, लेकिन कई बार हमारे पास लेटर के साथ साथ उसके अंदर एक टेबल का भी फॉर्मेट आ जाता है, तो वो भी हम एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहां पे अपने टेबल के अंदर तीन रिकॉर्ड तैयार कर दिए हैं। अभी मैं जो मेरे पास यहां पे फर्स्ट और सेकंड सीरियल नंबर है इनके बीच में मेरे को एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ जो सेकंड सीरियल नंबर की रो है कर्सर को उसके लास्ट में लेके जो फर्स्ट रो है वन और टू सीरियल नंबर के बीच में रखना है, तो हमें जो फर्स्ट रो है उसके लास्ट में कर्सर को लेके जाना है और सिर्फ कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो सीरियल नंबर वन एंड टू है उसके बीच में मैंने एक ब्लैंक रो को इंसर्ट कर दिया। इसी प्रकार से दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं, मेरे पास जो सेकंड सीरियल नंबर है और जो थर्ड सीरियल नंबर है उनके बीच में मेरे को एक ब्लैंक रो चाहिए, तो वही सेम आपने जो सेकंड रो है कर्सर को कहां लेके जाना है, सेकंड रो के लास्ट में लेके जाना है और कीबोर्ड से, ये देखो कर्सर जो मेरा है टेबल के अंदर नहीं है, टेबल के बाहर मेरे को कर्सर को लेके जाना है और उसके बाद जो मैंने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है, जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहां पे मेरे पास एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। बहुत इजी मेथड मैंने आपको बताया है, समझ में आ गई होगी मेरी ये ट्रिक आपको। फिर उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट ट्रिक होगी इसके लिए यहां पे देखो जो मेरे को यहां से जो सीरियल नंबर टू है यहां से मेरे को अपने टेबल को क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, अपनी टेबल को क्या करना है, आपने उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है जितना भी पोर्शन आप ब्रेक करना चाहते हो और अब आपने कीबोर्ड से शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करना है। तो देखो जैसे मैंने ये बटन प्रेस किया तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, वहां से मेरी टेबल क्या होगी, ब्रेक होगी। दोबारा फिर देखो, अगर मान के चलो मेरे को यहां से जो तीन नंबर का जो सीरियल नंबर है यहां से अपनी टेबल को ब्रेक करना है, मेरे को वही सेम क्या करना पड़ेगा, इसे पोर्शन को पहले आप सिलेक्ट करोगे, अब कीबोर्ड से शिफ्ट बटन ऑल्ट बटन और एरो बटन डाउन वाला जो नीचे की तरफ तीर का निशान होता है डाउन वाला वो बटन आपने प्रेस करना है। तो देखो उतना ही पोर्शन आपका क्या हो गया, वहां से टेबल आपकी क्या होगी, ब्रेक होगी। अब ये तो मैंने ब्रेक करना आपको बताया, लेकिन अगर मान लो मेरे को जो तीन नंबर वाला जो रिकॉर्ड है वो मेरे को एक नंबर के ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही सेम आपने उस पोर्शन को क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है उस पोर्शन को और उसके बाद वही कीबोर्ड से शिफ्ट ऑल्ट बटन दबाना है और ऊपर लेके जाना है, तो मेरे को एरो बटन जो अप वाला है वो प्रेस करना है। तो आप देखोगे मेरा जो रिकॉर्ड है तीन नंबर सीरियल नंबर है वो मैं कहां ले गया, जो एक नंबर वाले रिकॉर्ड है उससे ऊपर मैं अपने रिकॉर्ड को ले गया। तो आप इस तरीके से एक अपनी टेबल के अंदर अपने रिकॉर्ड को बना के उसको अप डाउन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मूवमेंट करवा सकते हो। उसके बाद दोबारा से फिर मैं चलता हूं, ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल मेथड बताए हैं, दोबारा से चलते हैं। अभी मान के चलो मेरे को राइट क्लिक करो आप टेबल के अंदर और यहां पे देखो आपको यहां पे टेबल के ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका हम यूज करेंगे। अभी सेम मेरे को जो तीन नंबर का रिकॉर्ड है मेरे को सीरियल नंबर, इससे ऊपर एक ब्लैंक या मेरे को सीरियल नंबर और नेम यहां पे मेरे को एक ब्लैंक कॉलम चाहिए। तो आपने कर्सर मैंने सीरियल नंबर तीन के बाद रखा और राइट बटन प्रेस करना है, तो राइट बटन प्रेस करने के बाद यहां पे इंसर्ट आता है और इंसर्ट कहां,
आपने कॉलम इंसर्ट करना कर्सर की लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर और नेम के बीच में, तो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, आप बटन प्रेस करो, सॉरी ये मेरा लेफ्ट है तो सीरियल नंबर मेरा कर्सर की लेफ्ट पोजीशन क्या बनी, ये वाली बनी। तो यहाँ पे एक देखो सीरियल नंबर से पहले मेरा क्या हो गया, एक ब्लैंक कॉलम। दोबारा से फिर देखते हैं, अभी मेरे को सीरियल नंबर और नेम के बीच में एक ब्लैंक कॉलम चाहिए, आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम टू द राइट। यहाँ पे जैसे मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो देखो सीरियल नंबर और नेम के बीच में मेरे पास एक ब्लैंक जो कॉलम है वो इंसर्ट हो गया। तो इसी प्रकार मैं रो को भी इंसर्ट कर सकता हूं, इंसर्ट करने के लिए वही सेम पोजीशन है हमारे पास, इंसर्ट रो। मेरे को तीन नंबर से ऊपर एक ब्लैंक रो चाहिए, तो आपने कर्सर रखा तीन नंबर पे और यहाँ पे इंसर्ट रो अबो, तो आप देखोगे जो कर्सर से ऊपर है एक ब्लैंक रो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट होगी। इसी प्रकार आपको तीन नंबर सीरियल नंबर और जो एक नंबर है उसके बीच में आपको एक रो चाहिए, तो आपने इंसर्ट बटन पे जाना है और इंसर्ट रो बिलो, तो आप इस तरीके से एक रो को भी इंसर्ट कर सकते हो। तो आप जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने एक टेबल का फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद आपको कोई भी टेबल के अंदर कोई कॉलम इंसर्ट करना है या फिर कोई रो इंसर्ट करनी है, तो आप इस तरीके से भी अपनी टेबल के अंदर रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो फालतू की मेरी जो ये टेबल बनी हुई है, जैसे मेरे को कोई डिलीट भी तो करना पड़ सकता है, यही कॉलम लगाओ मेरे को डिलीट करना है, तो वही सेम पोजीशन है, आपने कर्सर रखो, मेरे को जो ब्लैंक कॉलम है इसको मेरे को डिलीट करना है, कर्सर रखा और राइट क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया डिलीट सेल, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है डिलीट एंटायर कॉलम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ओके। तो इस तरीके से देखो मेरा जो वो कॉलम था वो क्या हो गया डिलीट हो गया। दोबारा से देखो मेरे को इस कॉलम को डिलीट करना है, आपने कर्सर रखा यहाँ से, आप कर्सर को रख के राइट क्लिक करोगे और यहाँ से फिर डिलीट सेल आया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे डिलीट सेल आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो कर्सर है सेल के अंदर है, लेकिन मैं दोबारा से मैं टेबल को कॉलम को मैं ऊपर से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ऊपर से इसे सिलेक्ट किया, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या आया हुआ है डिलीट कॉलम आया हुआ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका वो कॉलम क्या हो गया डिलीट हो गया। दोबारा से फिर देखो इसी प्रकार से मेरे को जो रो है ये डिलीट करनी है। अभी अगर मैं डिलीट करूंगा यहाँ पे देखो क्लिक किया मैंने और डिलीट, अब यहाँ पे क्या आ रहा है सेल आ रहा है, क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ पे है सेल है। लेकिन अगर आपको रो को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, इस रो को सिलेक्ट करो, अब राइट क्लिक करो और सॉरी अभी यहाँ पे इस रो को मैंने क्या किया सिलेक्ट किया, और अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया अब यहाँ पे मेरे पास डिलीट सेल नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे डिलीट रो। तो आप इस तरीके से अपनी टेबल के अंदर डिलीट रो, आपकी कोई भी रो है आप किसी भी रो को डिलीट भी कर सकते हो और किसी कॉलम को इंसर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम मेरे पास इसके अंदर जो मैंने टेबल बनाई हुई है, इसके अंदर टेबल के एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो फॉर्मेटिंग है जो कलर है वो भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था अपने वीडियो के अंदर बोल्ड इटैलिक करना थोड़ा अट्रैक्टेबल बना सकते हो, इसके फॉन्ट के साइज को भी आप चेंज कर सकते हो। मैंने टेबल को यहां से सिलेक्ट किया और यहां से देखो मैं अपने फॉन्ट के साइज को भी इंक्रीज कर सकता हूं, जैसे जैसे मैंने 20 लिया उसी प्रकार से यहां से मैं जो फॉन्ट है वो क्या ले सकता हूँ टाइम्स न्यू रोमन ले सकता हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने फॉन्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वहां से भी उसे देख सकते हो। इसके साथ साथ देखो अभी मैं अपनी टेबल को यहां से अपने हिसाब से जो कॉलम है उस कॉलम को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं अपनी माउस की हेल्प से। जो मेरी ये हेडिंग रो है इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं, कलर करना चाहते हो तो आप कलर भी कर सकते हो आप। इसी प्रकार जो मेरी ये रो है रो को भी मैं क्या करना चाहता हूं सिलेक्ट किया मैंने और यहां से मैं इसको भी कलरिंग करना चाहता हूं, तो आप यहां से इसको कलर कर सकते हो। आप अपने इस पोर्शन को सिलेक्ट किया सेंटर में लेके जाना है, तो देखो आप अपना सीरियल नंबर को सेंटर में लेके जा सकते हो, इसे भी सेंटर में लेके जाना है, इसे सेंटर में लेके जा सकते हो। तो इन बटनों के बारे में सभी के बारे में ये मेरा जो फॉन्ट पैराग्राफ है जो फॉन्ट सेक्शन है और जो पैराग्राफ सेक्शन है मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां से भी इसका यूज देख सकते हो, बिल्कुल सेम है। आप उस इन ऑपरेशंस को सभी को आप अपनी टेबल के अंदर भी यूज कर सकते हो ताकि आपकी टेबल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे अट्रैक्टेबल लगे। बाकी मैं आपको अपने टेबल के बहुत सारे ऑप्शन है सेकंड वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।